कभी कभी परेशान हो जाते हैं, जीवन में दुख आ जाता है, निराशा का सामना करना पड़ता है, समझ नहीं आती क्या करें क्या ना करें। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभार हमारे मन से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज श्री कृष्ण की आवाज है। देखिए, सब समझने का फेर है। अगर आप समझते हैं कि श्री कृष्ण आपकी मदद करें तो उनका एक इशारा ही काफी है। आपका मन आपको एक इशारा दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आप चिंता कर रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपके चारों तरफ अंधेरा है और आपका मन फिर भी एक उजाला, एक आवाज, एक हौसला आपको दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आप उस उजाले की तरफ नहीं चलते, फिर आप उस उलझन में से कैसे निकलोगे? उस कृष्ण की आवाज को सुनो। जब आप दुखी हैं, जब आप निराश हैं, वो कृष्ण साथ देते हैं। वो आते हैं आपके पास और आपके पास आकर बैठते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में इतना शोर करती हैं कि आपको एक प्यारी, एक कोमल और एक हौसला भरी आवाज, जो स्वयं श्री कृष्ण की आवाज है, वो आपको सुनाई नहीं देती। जब भी निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, सिर्फ आंखें बंद करके उस कृष्ण को याद करना है। जब आपके मन में आ गया कि सब ठीक हो जाएगा, तो जरूर सब ठीक हो जाएगा।